युवक कहा, शनि देव, मैं वृद्ध हो गया हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें व्यवधान मत डालिए, कृपा पूर्वक अन्यत्र चले जाइए। मद्मत शनि देव ने सगर्व कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्राबल्य और प्राधान्य तो स्थापित कर ही देता हूँ। कपि श्रेष्ठ ने शनि देव से बार बार प्रार्थना की, महात्मन, मैं वृद्ध हो गया हूँ, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है, मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए, मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत कीजिए, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अत्यंत उद्घत शनि देव ने मल्ल विद्या के परमाराध्य वज्रांग हनुमान जी की अवमानना के साथ व्यंग पूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है, किंतु मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि देव ने दुष्ट ग्रह निहंता महावीर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। युद्ध लोलूप शनि देव पुनः भक्त वर हनुमान का हाथ पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे, धीरे से कहते हुए पिशाच ग्रह घातक कपिवर ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि देव को उसमें लपेटना प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों में अविनीत सूर्य पुत्र क्रोध सरंक्त लोचन समीरात्मज की सुदृढ़ पुच्छ में आकंठ आबद्ध हो गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे सर्वथा अवश असहाय और निरुपाय होकर दृढ़तम बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। अंजना नंदन भगवान श्री हनुमान उठे और दौड़ते हुए सेतु की प्रदक्षिणा करने लगे। शनिदेव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन शिथिल ना हो सका। भक्तराज हनुमान के दौड़ने से उनकी विशाल पूंछ बानर बालुओं द्वारा रखे गए शिलाखंडों पर गिरती जा रही थी। वीरवर हनुमान दौड़ते हुए जान बूझ कर भी अपनी पूंछ को शिलाखंडों पर पटक देते थे। शनि देव की बड़ी अद्भुत एवं दयनीय दशा थी। शिलाखंडों पर पटके जाने से उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा नहीं थी और वेग से जा रहे हनुमान जी की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। तब शनि देव अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय भक्तराज, मुझ पर कृपा कीजिए, अपनी उदंडता का दंड मैं पा गया, आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरा प्राण छोड़ दीजिए प्रभु। दयामूर्ति हनुमान खड़े हुए, शनि देव का अंग प्रतंग लहूलुहान हो गया। असहनीय पीड़ा हो रही थी उनकी रग रग में। विनीतात्मा समीरात्मज ने शनि देव से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी ना जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूंगा। सुरवंदित वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि देव ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, आप कृपा पूर्वक शीघ्र बंधन मुक्त कर दीजिए। शरणागत वत्सल भक्त प्रवर हनुमान जी ने शनि देव को छोड़ दिया। शनि देव ने अपने शरीर को सहलाते हुए गर्वोपहारी मारुतात्मज के चरणों में सादर प्रणाम किया और वे चोट की असहनीय पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता उससे वे संतुष्ट होकर आशीष देते। कहते हैं इसी कारण अब भी शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। श्रेष्ठ संगतज्ञ और महान त्यागी।
आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हनुमान जी महान संगीतज्ञ और गायक भी हैं। इनके मधुर गायन को सुनकर पशु पक्षी स्थावर और जंगम सभी मुग्ध हो जाते हैं। एक बार की बात है कि अतिशय सुंदर स्वच्छ जलाशय के समीप महान संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ। देवता ऋषि और दानव सभी संगीत प्रेमी वहां एकत्र थे। भगवान पार्वती वल्लभ एवं देवऋषि नारद आदि गायन कर रहे थे और अन्य देव ऋषि तथा दैत्य भी उन्हें योगदान दे रहे थे। उसी समय पवन कुमार हनुमान जी ने अत्यंत मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया। हनुमान जी ने संगीत क्या आरंभ किया, मानो अमृत वृष्टि होने लगी। फिर तो अन्य गायकों एवं वादकों के मुख मलान हो गए। वे हनुमान जी की स्वर लहरी पर मुग्ध होकर स्वयं चुप हो गए और अत्यंत शांति पूर्वक उस परम मधुरिम स्वर लहरी में झूम उठे। उनके तन मन प्राण ही नहीं, रोम रोम हनुमान जी के सुधा सदृश गीत के श्रवण में तल्लीन हो गए। हनुमान जी का मधुरिम स्वर गूंज रहा था। इन महामहिम हनुमान जी के जीवन में त्याग ही त्याग भरा है। अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी की विशुद्धि प्रीति, उनकी लीला कथा का श्रवण एवं उनके मंगलमय नाम कीर्तन के अतिरिक्त इन्हें और कुछ अभिष्ट नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सियाराम, जय जय सियाराम। यश कामना का त्याग। यश कामना का त्याग कितना कठिन होता है। स्त्री पुत्र घर द्वार अपार संपत्ति ही नहीं, यश के लिए प्राण का भी त्याग किया जा सकता है, किंतु उस यश का त्याग सहज नहीं। गौरांग महाप्रभु नाम संकीर्तन के प्राण चैतन्य देव के मित्र ने महाप्रभु की कृति देखी तो वे दुखी ही नहीं हुए, उनके नेत्रों से आंसू बह चले। बोले, इस महान ग्रंथ के सम्मुख मेरी न्याय बोधनी सर्वथा नगण्य सिद्ध हो जाएगी, इसमें कोई नहीं पूछेगा। तत्क्षण महाप्रभु ने अपना अनमोल ग्रंथ गंगा मैया के अंग में विसर्जित कर दिया। उनका यह महान त्याग आज तक उनके ग्रंथ से भी अधिक उनकी उज्ज्वल कीर्ति को बढ़ा रही है, किंतु इस महानतम आदर्श की स्थापना श्री रघुनाथ जी के अमल कमल चरणानुरागी पवन कुमार ने युगों पूर्व ही कर दी थी। कथा श्रवण रूपा भक्ति के प्रथम एवं प्रधान आचार्य अंजना नंदन को जब थोड़ा सा अवकाश मिलता तब वे समीपस्थ पर्वत पर चले जाते और वहां के स्फटिक तुल्य उज्जवल शिलाओं पर अपने परम प्रभु का स्मरण चिंतन करते हुए स्वांतः सुखाय उनका चरित्र लिखते जाते। चरित्र पूरा हो गया। कहते हैं हनुमान जी के आशीर्वाद एवं पद पद पर उनके सहयोग में श्री तुलसीदास जी ने लोकप्रिय रामचरितमानस की रचना की थी। फिर स्वयं हनुमान जी जैसे श्री रघुनाथ जी के ज्ञान मूर्ति सेवक के द्वारा तन्मयता पूर्वक लिखा गया अपने आराध्य का चरित्र किस कोटि का रहा होगा, सोचना भी सहज नहीं। यह समाचार महर्षि वाल्मीकि को मिला। हनुमान जी के समीप पहुंचकर उन्होंने निवेदन किया, आपके द्वारा रचित रामचरित को देखने की मेरी इच्छा है। संकोची हनुमान जी क्या उत्तर देते। वे महर्षि को अपने कंधे पर बैठाकर पर्वत पर पहुंचे। पवन कुमार एक और खड़े होकर हाथ जोड़े अपने प्रभु के स्मरण में तल्लीन हो गए और महर्षि उनके द्वारा लिखे गए रामचरित के प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक देखने लगे। महर्षि वाल्मीकि जैसे जैसे उस रामचरित को देखते जाते उनका मुख मलिन होता जाता और संपूर्ण रामचरित्र पढ़ लेने पर तो वे अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने श्री राम भक्त हनुमान जी की ओर देखकर कहा, पवन पुत्र, भगवान श्री राम का श्रेष्ठतम पावन चरित्र है यह,
अब इससे उच्च कोटि का श्री श्री रामचरित्र त्रिकाल में भी संभव नहीं। मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता था। आज्ञा करें, सेवक प्रस्तुत है। हनुमान जी का उत्तर सुनते ही महर्षि वाल्मीकि ने नतमस्तक होकर धीरे धीरे कहा, मेरी रामायण का सर्वत्र प्रचार हो गया है और यशह कामना के कारण मुझे घृणित स्वार्थ अशांत कर रहा है। आपके इस रामायण के सम्मुख मेरी रामायण व्यर्थ सिद्ध। इतनी सी बात के लिए चिंता उचित नहीं। महर्षि का वाक्य पूरा होने के पूर्व ही हनुमान जी बोल उठे। हनुमान जी ने तुरंत शिलाओं पर लिखे गए संपूर्ण रामचरित्र को एकत्र किया और फिर उन्हें लेकर एक कंधे पर महर्षि को बैठाया और समुद्र की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने अपने आराध्य के उस महत्तम लीला चरित्र को महर्षि के देखते ही देखते समुद्र में डुबोते हुए कहा, अब इसे कभी कोई नहीं पढ़ सकेगा। यह सर्वथा निष्प्रह हनुमान जी का सहज त्याग था। उन्होंने इसे कभी त्याग नहीं समझा, किंतु महर्षि के नेत्र भर आए। रूंधे कंठ से उन्होंने कहा, मारुतात्मज, मेरी इस घृणित स्वार्थंधता को जगत अनादर पूर्वक स्मरण करेगा, किंतु आपका धवल यश आपके निर्मल भगवत भक्ति के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। महर्षि वाल्मीकि गद्द गद्द कंठ से भक्तराज हनुमान का स्तवन करने लगे। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। यत्र तत्र परम भागवत श्री हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में विराजित सीता हृदय अभिराम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के समीप अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बैठते हैं और किन्नरों के साथ अनन्य भक्ति पूर्ण हृदय से उनकी उपासना करते हैं। वहां अन्य गंधर्वों के साथ आष्टी शेण दयाधाम श्री राम का मंगलमय गुणगान किया करते हैं। उन्हें हनुमान जी अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं। वे स्वयं इस मंत्र का जप करते रहते हैं, हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आपने सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयतचित लोक धन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज श्री राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है और वे पवन पुत्र भाव विभोर होकर इस प्रकार स्तवन करते रहते हैं, भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जाग्रदादि संपूर्ण अवस्थाओं का निरसन करने वाले सर्वांतर अंतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर जी को माता सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप साधु पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यवहार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चतुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात
श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी आप बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कोसल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। यद्यपि परम विनिदात्मा महादेवात्मज हनुमान जी का किम पुरुष वर्ष और साकेत धाम प्रिय स्थान निवास है, किंतु कथा श्रवण रूपा भक्ति के सर्वप्रथम एवं प्रधान आचार्य जगत पावन तत्वज्ञ एवं महायोगी हनुमान जी ने विपत्ति के अवसर पर उल्लेख करते हुए प्रभु से निवेदन करते हुए यह कहा था, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। इस कारण भक्ति सुधा पाने छो हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर जब श्री राघवेंद्र ने उनसे कहा, हनुमान मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर की याचना करो, तुम त्रैलोक्य दुर्लभ वर भी मांगो तो मैं उसे निश्चय दूंगा। प्राण धन श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता से हनुमान जी पुलकित हो गए। उन्होंने प्रभु के सम्मुख अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, हे श्री राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता, अतः मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर रहूं। हे राजेंद्र, मेरा मनोवांछित वर यही है कि जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे। प्रसन्न होकर नयनाभिराम श्री राम ने कह दिया, ऐसा ही हो, तुम जीवनुक्त होकर संसार में सुख पूर्वक रहो, कल्प का अंत होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। कंदर्प कोटि लावण्य भद्र रूप श्री रघुनाथ जी के हनुमान जी को वर प्रदान करते ही निखिल भुवनेश्वरी माता सीता ने भी अपने लाल पवन पुत्र को वर प्रदान करते हुए कहा, हे मारुते, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाएंगे। समस्त सुरवंदित ज्ञानमय प्रेममय रुद्रांश कपि सतम माता सीता और परम प्रभु श्री राम के वचन सुनकर अपरिसीम आनंद सिंधु में निमग्न हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए और वे श्री राम के भुवन पावन चरणों में लेट गए। करुणावारिधि परम प्रभु जगती के मनुष्यों को सर्वथा निराधार असहाय और निरुपाय नहीं छोड़ सकते थे, इस कारण उन्होंने अव्यक्त होते समय श्री हनुमान जी की इच्छा पूर्ति के साथ साथ उन्हें भक्तों की सेवा सहायता एवं रक्षा के लिए भी नियुक्त किया। इस प्रकार ये कपि सतम निखिल भुवनपति भगवान श्री राम के प्रतिनिधि हुए, सच्चे प्रतिनिधि, समस्त सुरवंदित मुक्तिदाता। प्रभु का प्रतिनिधि सामान्य सुर या नर तो हो ही नहीं सकता, उस महनीय पद के लिए सर्वथा अनुरूप तो अनंत मंगल सुश्रति नाशन अचलोद्धारक दया मूर्ति हेमवर्ण हनुमान जी ही हैं। ये हनुमान जी भक्तों की दुखियों की पीड़ितों की आर्तों की पुकार सुनते ही दौड़ पड़ते हैं, यह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि ये सर्वसमर्थ करुणा सिंधु भक्त वत्सल तो सर्वत्र विद्यमान एवं घट घट वासी हैं, अतः तुरंत सहायता करते हैं। इनकी गदा समस्त पाप ताप को नष्ट कर देती है। इनके महावीर हनुमान इस नाम के उच्चारण मात्र से ही शाकिनी डाकिनी भूत प्रेत और पिशाच आदि पलायित हो जाते हैं। ये सर्व कलुष नाशक आंजनेय यद्यपि सर्वव्यापक हैं, किंतु जहाँ जहाँ श्री भगवान का नाम कीर्तन होता है, जहाँ श्री रघुनाथ जी की कथा होती है, वहाँ वहाँ ये तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन होता है,
वहां वहां मस्तक से बंधी हुई अंजलि लगाए और नेत्रों में आंसू भरे हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। राक्षस वंश के काल रूप उन मारुति को नमस्कार करना चाहिए। कथा और कीर्तन, विद्वत्ता, मधुर स्वर और लय आदि से मारुति को कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस श्री राघवेंद्र की लीला कथा या उनके नाम गुण का कीर्तन होना चाहिए। वहां वे अवश्य ही उपस्थित हो जाएंगे। इस कारण कथा और कीर्तन में काम क्रोध आदि वासनाओं को त्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें, कीर्तन में सहयोग दें और प्रत्येक दृष्टि से अव्यवस्था से बचें। ध्यान रखें, परमाराध्य हनुमान जी आपके सम्मुख बैठे हैं। शरणागत वत्सल हनुमान जी की उपासना शीघ्र फल प्रदान करती है। ये यथा शीघ्र संकट दूर कर देते हैं। इनका संकट मोचन नाम प्रसिद्ध ही है। पीड़ितों के एकमात्र आश्रय हनुमान जी के वीर और दास दोनों रूपों की उपासना होती है। विपत्ति निवारणार्थ वीर रूप की और सुख प्राप्तार्थ दास रूप की आराधना की जाती है। दोनों प्रकार की उपासना आराधना के पृथक पृथक नियम और विधान है। वीर रूप के लिए राजस तथा दास रूप के लिए सात्विक उपचार कहे गए हैं। मंत्रानुष्ठान के अनुष्ठान प्रकाश, मंत्र महोदधि, मंत्र महार्णव, मंत्र संग्रह और हनुमत उपासना कल्पद्रुम एवं हनुमान सिद्धि आदि अनेक ग्रंथ हैं। हनुमान जी की सकाम भाव से तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना करने वालों को निम्नलिखित सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। उपासना काल में यथासाध्य उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, अन्यथा उपासकों के लिए अनिष्ट की संभावना रहती है। ऐसे अनेक उदाहरण आज भी प्रत्यक्ष देखे गए हैं कि नियम की अवहेलना करके जिन्होंने हनुमान जी की सकाम उपासना की है, वे इष्ट की प्राप्ति में सफल तो हुए ही नहीं, भयंकर शारीरिक व्याधि से पीड़ित हुए अथवा दैवी प्रकोप से ग्रस्त हो गए हैं। तांत्रिक मंत्रों को केवल पुस्तक पढ़कर अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। किसी सच्चे श्री राम भक्त अथवा हनुमान जी के भक्त की आज्ञा प्राप्त कर इस दिशा में अग्रसर होना उपयोगी होता है। निश्चय ही हनुमान जी सिद्धिदाता हैं। उनकी उपासना से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। किंतु जो इस संसार सागर से पार जाने के लिए व्यग्र हैं, जो जन्म मरण से भयभीत होकर आत्यंतिक शांति के लिए आतुर हैं, जो मुक्ति पथ के पथिक हैं, उन्हें सिद्धियां अभिष्ट नहीं, वे तो आई हुई सिद्धियों को भी लौटा देते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि ये सिद्धियां सुखद नहीं अपितु आत्म साक्षात्कार में, प्रभु पद प्राप्ति में तथा जीवन के चरम और परम उद्देश्य की प्राप्ति में भयानक विघ्न रूप हैं। अतएव वे इनसे सदा सावधान रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी ओर देखना भी अपराध मानते हैं। निश्चय ही हनुमान जी वांछा सिद्धि करते हैं। वे दुखी, पीड़ित एवं आर्त के आह्वान पर तुरंत दौड़े आते हैं। वे हृदय से चाहते हैं कि प्राणियों के दुख, दारिद्र आदि व्याधि तथा समस्त विपत्तियां सदा के लिए मिट जाएं। वे परम प्रभु के शाश्वत सुख शांति निकेतन चरण कमलों के दर्शन कर निहाल हो जाएं। किंतु जब वे उन्हें तुच्छतम नश्वर सांसारिक कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए आतुर और व्यग्र देखते हैं, तो निराश और उदास हो जाते हैं। अतएव सर्वोत्तम तो यही है कि सत्य रूप जय प्रद पवन नंदन की उपासना आत्म कल्याण के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए ही की जाए, और जो इनके लिए हनुमान जी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हें उनकी कृपा से यथाशीघ्र सफलता प्राप्त होती है और वे निहाल हो जाते हैं एवं उनका जीवन और जन्म सफल हो जाता है। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम।
कृपा मूर्ति हनुमान जी सकल सद्गुण गण निलय अंजना नंदन दया धाम है, कृपा की मूर्ति है। जो पवन कुमार अपने परम प्रभु का दर्शन करते ही आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं, वे श्री राम चरणानुरागी कल्पांत तक इस भूतल पर क्यों रहना चाहते। निश्चय ही वे श्री राम के मंगलमय नाम एवं चरित्र कथा के अनुपम प्रेमी हैं, किंतु उनके साथ ही पृथ्वी के नर नारियों के प्रति उनकी सहज कृपा ही इसमें हेतु है। पांडु नंदन भीमसेन ने अपने अग्रज हनुमान जी की कथा ही सुनी थी, उनके दर्शन की उन्हें कल्पना भी नहीं थी, किंतु श्री कृष्ण प्रीति भाजन भीमसेन की अनिष्ट की कल्पना से ही हनुमान जी ने उन्हें उत्तराखंड के देव मार्ग में जाने से रोका और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ भी कर दिया। पांडु नंदन भीमसेन तो उनके अनुज थे। त्रेता युग में श्री रघुनाथ जी के अव्यक्त होने के समय से ही दयामय हनुमान जी भगवत भक्त नर नारियों का उपकार करते आ रहे हैं। प्रभु पथ पथिकों को तो वे अहिनश सहयोग देते रहते हैं, उनकी साधना की बाधाओं का निवारण करते रहते हैं। उन्होंने कितने भाग्यवान भक्तों को सर्वलोकेश्वर श्री भगवान का दर्शन कराकर उनका जीवन सफल कर दिया, इसकी गणना संभव नहीं। हिंदू पात्र का प्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस इसके विषय में कहते हैं कि श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही श्री तुलसीदास जी ने उसकी रचना प्रारंभ की और वे पद पद पर उनकी सहायता करते गए। श्री तुलसीदास जी ने स्वयं कृपा मूर्ति श्री आंजनेय के संबंध में कहा है कि जिस पर सब प्रकार के कल्याणों की खानी श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि है, उस पर पार्वती शंकर लक्ष्मण श्री राम और जानकी जी की सदा कृपा किया करते हैं। श्री तुलसीदास जी का जीवन भी इसका साक्षी है। प्रसिद्ध है कि वे नित्य शौच से लौटते समय शौच का बचा जल एक बेर के वृक्ष मूल में डाल देते थे। उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। प्रेत योनि की तृप्ति ऐसी ही निकृष्ट वस्तुओं से होती है। प्रेत उस अशुद्ध जल से प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा करूं, मुझे श्री रघुनाथ जी का दर्शन करा दो। श्री तुलसीदास जी के कहने पर प्रेत ने उत्तर दिया, यदि मैं प्रभु का दर्शन करा सकता तो अधम प्रेत ही क्यों रहता, किंतु मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ। अमुक स्थान पर श्री रामायण की कथा होती है, वहाँ सर्वप्रथम वृद्ध कुष्ठी के वेश में श्री हनुमान जी नित्य पधारते हैं और सबसे दूर बैठकर कथा सुनकर सबसे पीछे जाते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें, उनकी कृपा से आपकी लालसा पूर्ण हो सकती है। तुलसीदास जी उसी दिन श्री रामायण कथा की कथा में पहुंचे। उन्होंने वृद्ध कुष्ठी के वेश में श्री हनुमान जी को पहचान लिया और कथा के अंत में उनके चरण पकड़ लिए। श्री हनुमान जी गिड़गिड़ाने लगे, किंतु श्री तुलसीदास जी के निष्ठा एवं प्रेमाग्रह से दया मूर्ति पवन कुमार ने उन्हें मंत्र देकर चित्रकूट में अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। उन्होंने श्री तुलसीदास जी को प्रभु दर्शन कराने का वचन दे दिया। भावधिपोथ महावीर हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष फल उदित होने लगा। श्री तुलसीदास जी चित्रकूट पहुँचे और अंजना नंदन के बताए मंत्रों का अनुष्ठान करने लगे। एक दिन उन्होंने अश्व पर आरूढ़ श्याम और गौर दो कुमारों को देखा, किंतु देखकर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से पूछा, प्रभु के दर्शन हो गए ना, प्रभु कहाँ थे। श्री तुलसीदास जी के चकित होकर पूछने पर हनुमान जी ने कहा, अश्वारोही श्याम गौर कुमार जो तुम्हारे सामने से निकले थे। अह
श्री तुलसीदास जी अत्यंत व्याकुल हो गए। मैं प्रभु को पाकर भी उनसे वंचित रहा। वे छटपटाने लगे, उनकी नेत्रों से आंसू बह रहे थे और उन्हें अपने शरीर